हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में, यानी अनुकरणीय शिक्षण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या भूमिका निर्वाह। इस अनुकरण से ही अनुकरणीय शिक्षण बना है। अनुकरणीय शिक्षण कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना, यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में हम बिल्कुल रियल टीचिंग करें, दैट इज कॉल्ड द सिमुलेटेड टीचिंग। अब सिमुलेटेड टीचिंग में छात्र अध्यापक, सबसे मेन रोल छात्र अध्यापक का होता है। ये छात्र अध्यापक तीन तरह का रोल करता है, एक अध्यापक का, दूसरा छात्र का और तीसरा निरीक्षक का। यानी जो भी छात्र हैं उनमें से कोई एक छात्र अध्यापक बनता है, बाकी बीएड के जो उसके साथी छात्र हैं वो छात्र का रोल प्ले करते हैं और कुछ अध्यापक छात्र अध्यापक निरीक्षक का काम भी करते हैं। अनुकरणीय शिक्षण सबसे पहले क्रुकशैंक ने दिया था, 1966 में इसने इसका प्रयोग किया और इसका प्रयोग हम शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने के लिए करते हैं। टीचिंग बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए हम सिमुलेटेड टीचिंग करते हैं। अब अगर एलिमेंट्स ही देखें तो एलिमेंट्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण के तत्व तो क्या क्या। पहले तत्व पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। अनुकरणीय, जैसे भूमिका निर्वाह, अनुकरणीय शिक्षण का मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि अगर हम बीमार हैं, मान लीजिए बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमारी बीमारी को पता करता है, डायग्नोस करता है हमें, और उस डायग्नोस के अकॉर्डिंग ही वो हमारा ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ दिन बाद वो हमें फिर टेस्ट करता है कि हाँ, उसने जो ट्रीटमेंट दिया है क्या उसकी बीमारी दूर हुई या नहीं। अगर बीमारी दूर होती है तो वो ट्रीटमेंट जारी करता है, नहीं होती है तो क्या करता है, वो फिर अपनी मेडिसिंस को या ट्रीटमेंट को बदलता है। यही सेम चीज़ क्या है, हम अनुकरणीय शिक्षण में करते हैं। यानी इसके जो एलिमेंट्स हुए, फर्स्ट एलिमेंट इज द निदानात्मक तत्व, डायग्नोस्टिक एलिमेंट। इसमें क्या करता है शिक्षक, बच्चे की जो भी समस्याएं हैं उसको डायग्नोस करता है, उसका पता करता है कि स्टूडेंट की क्या समस्या है। अब समस्या पता करने के बाद सेकंड एलिमेंट है उपचारात्मक तत्व। बच्चा इसमें पर्सपेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एलिमेंट। उपचारात्मक में जब डायग्नोस कर लिया उसने, समस्या पता हो गई तो उसका फिर उपचार करता है। उपचार मतलब उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हल खोजता है। थर्ड वन इज द मूल्यांकन तत्व, इवेल्युएटिव एलिमेंट्स। इसके बाद जो उसने उपचार किया है, यानी जो समस्या का सॉल्यूशन दिया है बच्चे को, उसका इवेल्युएशन करता है कि ये मैंने जो समस्या सुलझाई है क्या ये दूर हो गई है और सही है, अगर सही नहीं है तो उसमें क्या बदलाव किया जा सकता। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं इसके सिमुलेटेड टीचिंग के, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव। इसके बाद है स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, इसको मैंने ऐसे इस डायग्राम से बताया। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, भूमिकाओं का निर्धारण करना, असाइनमेंट ऑफ रोल्स। यानी कौन सा छात्र अध्यापक छात्र का रोल करेगा, कौन छात्र बनेंगे और कौन निरीक्षक। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है रोल्स को। उस रोल को डिसाइड करने के बाद जो भी अभ्यास करने के कौशल हैं, किस अभ्यास के कौशल करना है, किस स्किल को प्रैक्टिस करना है, ये हम इसमें डिसाइड करते हैं। यानी टीचिंग में हमें करना क्या है ये डिसाइड करते हैं। इसके बाद कार्यक्रम का निर्धारण, क्या हमें प्रोग्राम का शेड्यूल, प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, क्या वर्क शेड्यूल है हमारा उसको प्रिपेयर करना है, कितनी देर तक कितना प्रोग्राम करना है ये डिसाइड करते हैं। प्रेक्षण अवधि का निर्धारण, डिसाइडिंग द ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल। अब जो ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल है उसकी अवधि का, उसका टाइम का निर्धारण किया जाता है। ये सारा निर्धारण, ये सारी चीज़ें शेड्यूल करने के बाद हम फिर इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन को।
यानी ये सब हमने डिसाइड कर लिया कौन सा स्टूडेंट टीचर बनेगा, कौन सा स्टूडेंट स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, क्या हमें इसमें टीचिंग में पढ़ाना है, ये सब करने के बाद फिर फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने के बाद, ये करने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, प्रक्रिया बदलने की तैयारी। यहाँ पर क्या करेंगे फिर कि स्टूडेंट्स को के जो रोल हैं वो चेंज करते हैं कि अब हम ये स्टूडेंट टीचर था, देन नेक्स्ट टाइम दूसरा होगा, फिर ऑब्जर्वर कोई और बनेगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर जो है चलता रहता है इन्हीं स्टेप में, यही है आपके स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताएं, तो ये बहुत ही सरल विधि है, इट इज अ वेरी इजी मेथड, और इसका इट इज यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, इसका प्रयोग शोध कार्यों में किया जाता है। छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशलों के अभ्यास में ये प्रभावशाली है, प्यूपल टीचर्स के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए बहुत प्रभावकारी है। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ये इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों के लिए उत्तम नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बहुत अधिक तैयारी की इसमें आवश्यकता होती है, और ये छात्र का ध्यान इसमें केंद्रित होना आवश्यक है। अगर इसमें छात्र, जो छात्र छात्र की भूमि, जो बीएड के छात्र छात्र की भूमिका निभा रहे हैं, अगर वो इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से खेल होके रह जाता है। तो इसलिए छात्र का ध्यान केंद्रित होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये थोड़ा सा सिमुलेटेड टीचिंग का रिवीजन था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।